वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा 31 जुलाई 1996 प्रातः लगभग 8:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण 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 नारायण। सुबह प्रश्न था कि हम जानते हैं, ठीक समझते हैं, संदेह भी नहीं है, फिर भी तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, कारण क्या है? तो ये प्रश्न हरेक के पैदा होता है। जो विचारशील पुरुष है, कुछ विचार करते हैं तो उनके ही चीज पैदा होती है। ये कहां कमी है? ये हम समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, फिर कमी कहाँ रहती है?
सच्ची बुद्ध है तो मैं व्याख्यान देना शुरू कर दिया तब तो मेरे को पता नहीं था। पढ़ाई कर ली, व्याख्यान दे दिया, पढ़ा दिया, सुना दिया, असली विचार आते नहीं, कुछ कहाँ है, ये कहाँ फंसे हुए हैं। तो फिर संतों की संगत से साथी से ये मालूम हुआ कि संयोग जन्य जो सुख है, इस सुख में आसक्ति है, ये वास्तव में तात्विक प्राप्ति में बाधा है। ये ही संस्पर्श जाग होगा दुख योने योति, जितने ही संबंध जन्य सुख है वे सबके सब सुख दुखों के कारण है। संसार में जितना दुख है, संताप है, जलन है, पश्चाताप है, रोना है, कराना है, व्याकुलता है, जो कुछ दुख है, केवल संबंध जन सुख की आसक्ति ये मूल है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज नचाता हूँ, मनुष्य पाप का सुन क्यों करता है? तो भगवान ने काम है, इसे काम क्या, अपने मन की बात पूरी बुलाए। कामना को कई तरह करते हैं, अब मैंने कई तरह पढ़े हैं, लिखे भी हैं, की तरह भी, परंतु खास मर्म क्या है कि हमारे मन की बात पूरी हो जाए, ये इच्छा, इसका नाम कामना है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय है, और आराम है, मान है, बधाई है, ये आठ है। इसमें सब में मुख्य बात क्या है कि मेरे मन की बात हो जाए, ये बहुत बढ़िया पकड़ है। हर एक बात होती है ना, उसमें खास मूल कहाँ है, तो हमारे मन की बात हो जाए यही भोग है, इसका नाम है सुखा शक्ति है। और ये सुखा शक्ति ऊंचा ऊंचा नहीं देती, बहुत पढ़ाई कर ले, पंडिता ही आ जाए, व्याख्यान दे दे, दूसरों को समझाए दे, पुस्तक लिख दे, बड़ी बड़ी पुस्तक लिख दे, परंतु ये जब तक सुखा शक्ति है तब तक बोध नहीं होगा, तब तक ज्ञान नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, मनुष्य जन्म सफल नहीं होगा। ऐसी बात ये सुखा शक्ति। और एक आश्चर्य बात है, बड़ी भारी आश्चर्य बात, आपको विश्वास हो न हो पता नहीं, परंतु मेरे संदेह नहीं है, सुखा शक्ति के छोड़ते ही किसी बात की कमी नहीं रहेगी। मेरे को आश्चर्य आता है, आश्चर्य लोगों में समझा नहीं सकता, पर मेरे संदेह नहीं है, सुखा शक्ति के त्याग करने पर सुख सामग्री जोर से आती है। जब तक हम सुख की आसक्ति रखे हैं तब तक चीज मिलती नहीं है, मिल जाए सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपए मिल जाए तो भी तृष्णा बाकी रहेगी ही, दरिद्रता रहेगी ही, रज धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर सुना, संतोषामृतता नाम इतस्तेत, संतोषामृतता नाम यत्सुखम शांत चेतसाम, तो कुतस तद धन लुब्धा नाम इतस्तेतस्य धावता, धन के लोभी वो धन कहाँ, वो भी सीधी मिलती और आप जाप मिलती है, इतने विलक्षणता है आप साप, और आप साप इतने मिलती है जो प्रारब्ध में नहीं है वो मिलती है, प्रारब्ध क्रिया बन जाए, प्रारब्ध नया बन जाएगा। इस बात है प्रत्यक्ष एकदम सिद्धांत की बात, तो
तो केवल अपने इच्छा से दरिद्र बना हुआ है, नहीं तो दरिद्रता का काम नहीं है। दरिद्रता के क्या लक्षण, दरिद्रता के लक्षण आके भक्त पर आवश्यकता हर वस्तु नहीं मिलती, लखपति क्रोधपति इच्छाएं नहीं मिलती, भगत पर वस्तु नहीं मिलेगी, आवश्यक हो जी पहले, और दरिद्रता मिटने पर वस्तु पहले आएगी, इच्छा पीछे होगी, भूख पहले लगेगी, पहले अन्न आएगा, भूख लगेगी पीछे, कपड़ा पहले आएगा, जड़ा लगेगा पीछे, मानो आवश्यकता की वस्तु पहले आती है, दरिद्रता मिटने पर संतोष होने पर। जैसे आप हम जन्म लेते हैं तो हमारी माँ के दूध का नहीं आता है, हम पीछे जन्म लेते हैं, सत्संग में आए तो पंडाल पहले बनता है, पीछे सत्संग आते हैं। तो जब लौकिक में भी ऐसी बात है तो क्या परमात्मा के यहाँ अंधेरा है, बिल्कुल सच्ची बात है, हमारी आवश्यकता से पहला आवश्यकता वाली वस्तु आएगी, इसमें संदेह नहीं है। माने मैं आपके आवे न आवे बात एक अलग है, तो बात सच्ची है, आवश्यकता पीछे होगी चीज पहले आएगी, जैसे बच्चा जन्मता है तो दूध की जरूरत पीछे होती है, दूध पहले आता है, सत्संग वाले पंडाल पहले बनता है, पीछे सत्संग आते हैं, इस तरह का निर्वाह की चीज पहले मिलती है, और इच्छा जाने से उम्र भर दरिद्र रहेगी, इच्छा आते हैं बस तो नहीं मिलती, लाखों करोड़ रुपया पास में है पर भगत पर खाने की चीज पूरी नहीं मिलेगी, लाखों करोड़ रुपये पास में बहुत धन के पास में है पर भगत पर आवश्यकता वाली चीज नहीं मिलेगी, इतना फर्क है, हमें क्या बताओ फर्क, इतना फर्क। तो सुख की साधना ने मनुष्य को दरिद्री बनाया है और परमात्मा प्राप्ति से वंचित रखा है, लौकिक पारलौकिक उन्नति से वंचित रखा है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह कर गुलाम हो गया, जिसकी चाहना होगी वो उसका गुलाम हो गया, धन की चाहत धन राशि में गुलाम है, स्त्री की चाहते स्त्री को गुलाम है, तो परिवार चाहते गुलाम है, मान चाहते मान का गुलाम है, बड़ाई चाहते बड़ाई का गुलाम है, निरोग चाहते निरोगता का गुलाम है, सुख शब्द चाहते सुख शब्द गुलाम, गुलाम को बेचारे क्या मिले शादी के लिए, और जब साहस मिल जाती है तो साह गई चिंता मिटी बनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहन प्रतिशाह बादशाह का बादशाह, बादशाह का ही बादशाह, चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये सहन होती बीच, तू सच्चिदानंद शुद्ध ब्रह्म है, ये जड़ चीजों की सहना न होती, ऐसी चाहना तो ये सुख की चाहना, आराम की चाहना, मान की चाहना, बढ़ाई की चाहना, सुख सुविधा की चाहना, ये चाहना भीतर ये रहते हुए आदमी उन्नत असली उन्नत नहीं होता, वो गिर जाता है, पतन हो जाता है, और सारा सूर्य भीतर से महान धनी हो जाएगा, बड़ा भारी धनवान हो जाएगा, कौड़ी पास में नहीं है पर बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह, राजाओं का राजा, संतोषामृतता नाम यत सुखम शांति तेजसा, संतोष रूपी धन से तृप्त है और मन शांत है, वो सुख कहाँ जो धन के लिए भागते फिरते हैं, मान के लिए भागते फिरते हैं, निरोगता के लिए भागते फिरते हैं, आदर के लिए भागते फिरते हैं, वाह वाह हो जाए इसलिए भागते फिरते हैं, कुतस तत्व भाना मित्र धावता वो धन्य।
और चार रहित होना स्वतंत्रता है आपके, इसमें परतंत्रता नहीं है। आप चार रखते हो तो चीज निर्णय में तो परतंत्रता, और चार छोड़ने पर चीज आपको साफ आती। देखो खास बात क्या है मनुष्य के, भूख प्यास नींद इसके बिना हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। भोजन नहीं मिले जीवन कैसे, जल मिलेगा जीवन कैसे जीवेंगे। नदी बिना कैसे जीवेंगे, तो ये आप सब आओगे। भोजन की परवाह छोड़ दो, परवाह भूखे ने कैसे छोड़ दे, भूखा मर रहा कैसे छोड़ दे, आप छोड़ते हो। आप जब एकादशी व्रत कर लेते हो क्या भूख नहीं लगती है, भूख लगती है परंतु खाने की इच्छा नहीं होती। आज व्रत किया हमने, एकादशी व्रत है तो भूख लगने पर आप भूख के दास नहीं है, खाने की इच्छा से दास हो आप। हम क्यों इच्छा करें, सच्ची बात वो है कि हम इच्छा क्यों करें, इच्छा भगवान की होनी चाहिए। बालक की इच्छा क्यों, इच्छा तो माँ करेगी, ऐसे तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो उस बोले हमें क्या मतलब, क्या खाने से मतलब, क्या पीने से मतलब, क्या नींद से मतलब, क्या आराम से मतलब, क्या आदर से मतलब, क्या प्रशंसा से मतलब, हमें क्या मतलब, हम क्यों चाहे। जबरदस्ती आवेगी, जबरदस्ती चीज आप ले नहीं सकोगा। तो प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजन श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, शरीर पीछे पैदा हुआ। आपके जात्याय भोग तीन बात आई है योग दर्शन में, जन्म आयु और सुख दुख, ये पहले ऐसा गया है। ये अनुकूलता मिलेगी, प्रतिकूलता मिलेगी, इतना दिन जीवेगा, अब आपसे जन्म होगा, तो जो पहले से प्रबंध है तो हम जिंदगी मरे कश्य विपाक हो जात्याय भोग, कर्म का विपाक फल जन्म आयु और भोग है, तो ये पहले ऐसा गया है। पीछे शरीर बना, माँ के पेट में पीछे आया पहले बना, तो ये सब पहले बने हुए हैं। परंतु जब तक आप त्याग न करो मन से, तब तक इस बात का अनुभव नहीं होगा। ये बात सच्ची है झूठी है संदेह रहेगा, सच्ची नहीं दिखेगी भगत पर आवश्यकता होगी बस नहीं मिलेगी, तो अनुभव नहीं होगा। धीरे से साक्षात दे पर आप साफ चीज मिलेगा, आप साफ जो सुविधा सुख की इच्छा है, ये इच्छा ही आदमी को दरिद्र बनाती है। इच्छा त्यागने पर अन्न जल वस्त्र मिलेगा, नींद भी आगे अपने आवेगी, नींद के लिए उद्योग नहीं करना पड़ता, ये तो आप हम सब जानते हैं। परिश्रम क्या बनता है, सो जाओ नींद आ जाती, ऐसे ही सुख दुख सब मिलते। आप साफ आप चिंता मत करो, निश्चिंत रहो और फिर भगवान के भजन में लग जाओ, तब तो कहना ही क्या है। तब तो 20 वर्ष सैकड़ों आदमियों का पेट भर सोता आपके पीछे, भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ। दरिद्रता किंचित मात्र नहीं है, नजीक नहीं आती दरिद्रता, नजीक नहीं आती, ऐसी बात है। पर करके देखो तो पता लगेगा, सुनने से विश्वास हो तो थोड़ा विश्वास हो जाता है, पूरा अनुभव नहीं होता, और करके देखने से अनुभव होता है, अनुभव होता। बड़ी आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। इस वास्ते चाहिए चिंता, विश्वास चाह होने से चिंता होती, क्या करेंगे,
पहले ही पहल प्रसंग गीता में सबसे आरंभ उपदेश आरंभ होते हुए अशोच आनंद सुन प्रज्ञावाद से गता सुन अगता सुन से नाम शोचंती पंडिता। जीते हुए और मरे दोनों के पंडित चिंता नहीं करते, मर गए उसी भी नहीं करते, जीते उनकी नहीं करते। गता सुन अगता सुन तुरंत ने पूछा कि गता सुन जो चिंता करते मर गए उसी जीते की चिंता कौन करता है। अरे ज्यादा तो चिंता जीते की होती है, मरने की तो एक बार चिंता होगी खत्म होगा। जीता निर्वाह कैसे होगा, इनका कैसे ब्याह होगा, कैसे कपड़ा मिलेगा, कैसे रोटी मिलेगी, कैसे ब्याह होगा। आज बड़ा भारी भयंकर पाप हो रहा है इसी से ही कि सोरा चोरी का ब्याह कैसे करेंगे, क्या करें। अकल में कुत्ता मूत गया, अकल खत्म हो गई। ना तो है विश्वास विष्णु भगवान का, उत्पन्न करने की शक्ति का नाम ब्रह्मा और पालन करना मात्र का जीव का नाम है विष्णु, संहार करने का नाम है शंकर। ये पहले ही होते हैं। तो पालन करने का विष्णु भगवान का विश्वास चला गया। दूसरा है प्रारब्ध का, बच्चा बच्ची आते हैं तो अपना भाग्य लेकर आते हैं, आपके भरोसे कोई नहीं आता, भाग्य के भरोसे आते हैं, अचिंता आप करते हो। तो आप चिंता कर लो, पाप कर लो, अन्याय कर लो, नरकों का रास्ता कर लो, कुछ नहीं कर सकते हो सिवाय नरकों के दुख के, और कुछ नहीं मिलने का है सपने में भी। ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराओ, निष्पत्ति कराओ, ये कराओ, ये कराओ, गर्भ कराओ। तो विष्णु भगवान का विश्वास नहीं, दूसरा भाग्य का विश्वास नहीं, दूसरा दो हाथों के एक पेट है इसका विश्वास नहीं, पुरुषार्थ का विश्वास नहीं, केवल पाप का विश्वास। हे पाप देवता, हे अन्याय देवता, हे हिंसा देवता, हे हत्या देवता, आप हमारा उद्धार करो। ये दिशा हो गई, हत्या देवता का आश्रय लिया। हम जरा सोचो, हरेक भाई बहन सोचो इस बात को, हत्या देवता का आश्रय है, पाप देवता का आश्रय है। तो पाप का हत्या का आश्रय लेने वाला सुख पाएगा कभी? सुख दिन में सुख होते, दुख दिन में दुख हो, हत्या करने वाला सुखी हो जाएगा? जन्म जन्मांतर सुखी नहीं होगा, हत्या करना सुखी होगा। आश्चर्य की बात है, माता से कमला देवी पिता देवो जनार्दन, लक्ष्मी जी के गर्भ रहा, उसको गर्भ में फेंक दिया पानी में, उसका ये ब्रह्मांड पैदा हुआ। ये सबसे लोग ब्रह्मांड है, पर गर्भ पीछा लक्ष्मी जी का गर्भ नहीं रहा दोबारा, तो पीछे ऐसा गर्भ नहीं रहा, जन्म जन्मांतर रोएगी, उसको बेटा नहीं है, बेटा नहीं होगी। जिस चीज का स्वयं नाश करता है उस चीज का अभाव उसको भोगना ही पड़ता है। अन्न का नाश करने वाला की भूख भोगनी पड़ेगी, जल का निरर्थ नाश करने वाला को प्यासा मरना पड़ेगा। अच्छा नौकर है तिरस्कार करे तो नौकर भी दुख पाएगा, अच्छा मालिक है त्याग करे तो अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, मनुष्य जन्म है उसको सफल नहीं है, पैसा मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, अच्छे महात्मा मिल जाए उपयोग नहीं करो तो अच्छा महात्मा नहीं मिलेगा। भगवान पहली मुफ्त में चीज देते हैं और तिरस्कार करने पर उस चीज बंद कर देते हैं, कितना नुकसान होगा। जिसका आप तिरस्कार करते हैं वो चीज मिलेगी आपको? असंभव है, मिलेगी नहीं। पंत क्या करें, क्या हुआ भगवान जाने, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई इसका कोई अंदाज नहीं। भारतवर्ष की जो कि सब देशों का गुरु है, 200 देश बताते हैं पृथ्वी मंडल पर, शायद 200 देश एक एक भूमंडल पर, ये भी अपना भारतवर्ष है। ये ऐसे 199 देश
इतने देशों का पालन होता है, परंतु भाग का भरोसा नहीं, पुरुषार्थ का भरोसा नहीं, अब क्या करेंगे? तो भगवान का भरोसा नहीं, भाग्य का भरोसा नहीं, पुरुषार्थ का भरोसा नहीं, भरोसा केवल पाप का है। तो होगी मनुष्य पशु सकाशाद अग्र जन्म स्वम स्वम चरित्र शिक्षेर पृथ्व्याम सर्व मानव। इस भारत देश के पैदा हुए ब्राह्मण से अपने अपने देश का रिवाज सीखो, भारत वर्ष का नहीं, स्वयं स्वयं चरित्र सीखे, अपने अपने कैसे करा, तुम अपने देश में ऐसे करो, तुम अपने देश ऐसे करो, तुम अपने ऐसे करो। इसका गुरु भारतवर्ष है, ये वर्ष है, इसमें बुद्धि भ्रष्ट होगी। अब किस होता बना ये तो देश पुरुष से सकाशाद अग्र जन्म स्वयं चरण चित्र शिक्षण स्वयं स्वयं चरित्र शिक्षण पृथ्व्याम सर्व मानव। उस भारतवर्ष में ये निर्मल मिल गया, कृष्ण पाप का भरोसा रह गया, जोर से चल रहा गणेश मानते नहीं, और इतनी बैठ गई बात, हमारी बात तो सुनते ही नहीं, सुनते नहीं तो सभी समझते नहीं, और विदेश समझेगी मूर्ख की बात कौन मानेंगे, तो सभी समझते नहीं। कारण क्या है? पाप का भरोसा, अन्याय का भरोसा, हत्या का भरोसा। भरोसा ये शब्द होना चाहिए जिसे हत्या का भरोसा, ये हिंसा का भरोसा, नाश का भरोसा। कार्य क्या? सुख सुविधा, सुख हो जाए, सुविधा हो जाएगी, ये सुख सुविधा के लिए। तो सब अनर्थों का है कि सुख सुविधा चाहना, और सुख सुविधा न चाहने पर बहुत सुख मिलता है, बहुत सुविधा मिलती है, बहुत आप काम नहीं ला सकते कितनी सुविधा मिलती है। एकदम सच्ची बात है, धन की चाहना लेने पर धन मिलता है, चाहने पर भागती है। अब ये विश्वास तो मैं दिला सकता हूँ भाई, मेरी समझ से बाहर की बात है, परंतु एक बात कह दूंगा, आप ध्यान दें, बात करने की मन में आ गई। आप लोगों के सामने बहुत वर्षों से मैं हूं, सम्मत 1982-83 विक्रम सम्मत 1982-83 सम्मत 84 के समय हम 20 दिन मैंने कथा की थी भागवत की, उससे देखकर आज तक भाई बहन सब ध्यान दे भाई बात सुने, मैंने किसी को धोखा दिया है, किसी के साथ विश्वासघात किया है, किसी के साथ अन्याय किया है, मैं बहुत परिचित हूँ, मेरे बहुत परिचित है यहाँ, मेरे को जानने वाले हैं कई, बूढ़े बड़े मर गए बेचारे, परंतु मैंने कभी धोखा नहीं दिया, तो मैं बात करता हूँ धोखा देता हूँ, मैं आपको ठगता हूँ, आपके साथ विश्वासघात करता हूँ, आपको धोखे में डालता हूँ, तब बात मेरी मत मानो। आप मुझे कोई कह दोगे तुमने धोखा दिया ऐसा, तो अंधाता कृपा करो मेरी बात मानो, धोखा दे कह दोगे छोड़े कह दो, कोई बात नहीं छोड़े कह दो, भाई कह दो, कोई भी कह दो, हमारे साथ बड़ा विश्वास बात किया तुमने, बड़ा दुख दिया, भला किया नहीं कहता हूँ मैं, बुरा नहीं किया कहता हूँ, किसी ने बुरा किया तो बोलो, जो बुरा नहीं किया तो अब मैं कहता हूँ बुरा करता हूँ, आपको अहित चाहता हूँ, आपको दुख देना चाहता हूँ। देखो भाई कहीं बात उचित नहीं है, पर तो मेरी नीयत में दुख देने की नहीं है, किसी को दुख हो जाए तो क्षमा करेंगे, दुख देने की नहीं है, कम से कम दुख देने की नहीं है,
कोई विचार है कि सबका उद्धार हो गया, सबका कल्याण हो गया, लोक और परलोक सबका सुधर गया। पर ये तो सफाई में क्या दू, कम से कम दुविधा न गई, इरादा नहीं है मेरा। तो मेरी बात में ध्यान क्यों नहीं देते? कभी दुख दिया हो, धोखा दिया हो तो तेरा क्या भरोसा भाई? ऐसे तू विश्वासघात करता है, तेरा भरोसा कैसे रखा? सच्ची बात है। कितने वर्ष हुई चौरासी को? सत्तर में सोच लो मेरा परिचय है, कोई थोड़े पर सोच नहीं है। पचास वर्ष में भी जानता हूँ, तो बताओ आप। मैं अपने शास्त्रों से, संतों से, विचार से जो अच्छी बात सुनता हूँ वही कहता हूँ। क्योंकि हर एक आपकी इज्जत चाहता है, तो मैं मेरी फजीति चाहता हूँ क्या? जो उल्टी बात आपको कहूँ, कोई भी अपनी इज्जत चाहता है नहीं, तो मैं आपको दुखी की बात कहूंगा? असत्य बात कहूँ तो मेरी फजीति हो गई। तो खुद कौन अपनी फजीति चाहता है? कम से कम इज्जत तो चाहता है रे भी, तो मैं मेरी फजीति क्यों करूंगा? तो मैं कहता हूँ सुख की इच्छा, और सच्ची पूछो तो ये व्याख्यान देने पर भी कई वर्षों के बाद पता लगा, मेरे खुद के आश्चर्य आता है बात क्या है। नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, जो वो सुनाते हैं सुनते हैं, बात क्या है और ये कहाँ बातें लग रही है? फिर संतों की कृपा से मेरी, मेरे पुरुषों ने शास्त्रों में पूर्व लिखी है, ये संस्कृत होगा दुख यो नए, जो संबंध संदेशों का है वो दुखों का ही कारण है, और दुख का कारण कोई है ही नहीं। जो सुख चाहता है उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, अनिवार्य है, कोई बच नहीं सकता। जो सुख चाहता है, आराम चाहता है, उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। सुख की इच्छा छोड़ दो, दुख नजीक नहीं आएगा आपके। आप इधर खूब ध्यान दे और सुनो और काम में लाओ, और जहाँ फैल हो जाए ये बात मेरे से फिर पूछो। सुख के चाहने वाले को दुख भोगना पड़ेगा, अनिवार्य है, इनमें संदेह नहीं है। दुख का निमंत्रण है, निमंत्रण। सुख भोग की इच्छा, सुख भोग की लालसा दुखों का निमंत्रण है। सुख के त्याग करने पर दुख है ही नहीं, नजीक नहीं आएगा, पड़ोस में नहीं आएगा, आपके नजीक नहीं आएगा। सुख से कोई मार भी गए तो हमारे जीने की इच्छा नहीं हो तो मार के क्या दुख हो जाएगा? गला भी कोई काट दे, हमारे जीने की इच्छा नहीं है तो क्या दुख होगा? किसी भी ताकत नहीं है मेरे दुख दे सके। जब तक मैं सुख की इच्छा रखता हूँ तब किसी की ताकत नहीं है उसको पहुंचा दे। और सुख की इच्छा त्यागने पर किसी की ताकत नहीं, जमराज जी की ताकत नहीं मेरे को दुख दे दे। सबके सब दुख जितने हैं, सबके सब सुख की इच्छा के ऊपर अवलंबित है। सुख कौन सा? जो संसार का, वो सुख आप पास ठहरेगा नहीं, कभी ठहरेगा नहीं, ठहर सकता नहीं, कारण वो आपका नहीं है। और निःसुख हो जाएगा तो जाएगा नहीं, अपना घर का सुख निःसुख मन होगी ठीरा, स्पर्श के पाव बिना समीरा। कहते दुख रहा, सुख रहता नहीं, मर रहता नहीं, रह कैसे? आपका सुख है नहीं, वो निर्सुख में निर्सुख हो जाएगा, जाएगा निर्सुख, कभी नहीं जाएगा, मौत होने को भी नहीं जाएगा, मरने के बाद भी नहीं जाएगा, अपना सुख नहीं है। ये संस्पर्श जहाँ संबंध जन्य सुख है, आपका सुख नहीं है, आप सुख है वो
ना सुख काजी पंडित ना सुख भूप भया सुख सहजा तृष्टा रूप गया सुख की इच्छा छोड़ने पर महान सुख आएगा महान सुख जब पराया गई इतना सुख आएगा। जब तक पराया सुख लोगे दूसरे ने सुख दे दिया दूसरे ने दुख दे दिया तब तक आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते क्योंकि दूसरे को संसार जीवेगा मर जाएगा तो कोई नहीं दुख दे देगा वो ना दूसरा दुख दे सकता ना प्रकृति दुख दे सकती ना ईश्वर दुख दे सकता ना आपका भाग्य दुख दे सकता दुख देने की किसी भी ताकत नहीं है भाग्य में दुख देने की ताकत नहीं है प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी पर प्रतिकूल परिस्थिति में भी आनंद होगा। नारद जी महाराज जी कथा भागवत में पहले ही आती है भागवत सुनते हुए जानते हैं छोटी अवस्था में माँ मर गई इससे पहले बालक की दुखिया होता छोटी अवस्था में माँ मर जाए इससे क्या दुखी बताओ। नारद जी महाराज पूरे जन्म की कथा कही संतों की सेवा में इतने रखा हो रही सांप काट के मर गई नारद जी नाचने लगे खुश हो गए प्रसन्न हो गए तो उसे ताकत है दुख दे दे ये तो कथा प्राय भागवत की सुनने वाले जानते हैं। बालक की माँ मर जाए इसके समान दुख क्या है बताओ और कहते क्या होता है बालक की तो माँ का ही आधार होता है माँ ही पालन करती है रक्षा करती है फिर वो मर जाते कितना दुख माँ मर गई खुश हो गए प्रसन्न हो गए तो प्रायुद्ध का काम आपके प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करने का है दुख देने का ताकत किसी में नहीं है ना प्रायुद्ध में है ना दूसरे में है ना प्रकृति में है ना ईश्वर में है किसी में नहीं है सुख की चाहना में है सुख की चाहना दुख दुख नहीं आएगा खुश हो गए नाचने लगे जंगल में चले गए झरने का पानी पिया बैठा ध्यान लग गया भगवान का ध्यान लग गया फिर ध्यान छूट गया फिर छटपटाए तो आकाशवाणी हुई कि दूरदर्शो हम कुयोगी नाम कुयोगियों के लिए मैं दूरदर्श हूँ तुम अभी तपस्या करो दूसरे नारद बनोगे फिर प्रकृति होगी पर दुख नहीं हुआ अकेले चले गए झरने का पानी पी गए घर के बदल गया नहीं आकाशवाणी दुख का है ना अरे दुख तो सुख की इच्छा पर है इतिहास आप देखते हो किसी ताकत नहीं दुख दे दिया मीराबाई का दुख दिया पर मीरबा के दुख हुआ प्रहलाद जी को दुख दिया पर प्रहलाद जी दुख हुआ दुख दे जो सुख आनंद खेलता आनंद आता है प्रसन्नता होती है दुखदायी परिस्थिति में मौज होती है आनंद होता भाग्य का काम परिस्थिति पैदा करने का है दुख देने का है ही नहीं दुख नहीं दे सकते प्रावधान नहीं कुछ भी भाग्य भी नहीं दे सकता परिस्थिति दुखदायी पैदा हो जाएगी प्रतिकूल परिस्थिति बेटा बढ़ जाएगा धन चला जाएगा बीमार हो जाएगा अपमान हो जाएगा निंदा हो जाएगी बुखार आ जाएगा ये हो जाएगा पर दुख ही कर दे कोई ताकत नहीं दुख कर दे आनंद होता आनंद बुखार चलता दो तीन चार डिग्री हर भीतर में प्रसन्नता होती खुशी आती आनंद अब ये बात कैसी है सच्ची बात है समझाने में तो भी मैं असमर्थ हूँ दूसरे के जिससे नहीं जिससे पर बात झूठी नहीं सच्ची बात प्रतिकूलता में आनंद आता है बिच्छू सी बढ़ाई जाके नागनी सी नारी है बड़ाई कोई घर तो बिच्छू का डंक मारे तो बुरी लगे और दुख कैसे आएगा जिसको बड़ाई अच्छी लगती है आराम अच्छा नहीं लगता और दुख आएगा कैसे दुख तो सुख की चाहना में है
मैं बड़े जोर से कहता हूँ, आप सबके सामने कान लेकर के सुने, सुख की इच्छा छोड़ दो, भीतर से दुख हट गया, कान पकड़ लेना। इतना दूर कहता हूँ सलाम से, सुख की इच्छा छोड़ने पर दुख आना के लिए, और सुख की इच्छा रखने पर दुख से बच सकेगा नहीं। कितनी निरक्षण बात है, सुख की इच्छा रखने वाले को दुख भोगना ही पड़ेगा, सुख मिले न मिले पर दुख तो जरूर मिलेगा। जो सुख की इच्छा करेगा उसको सुख मिलने में तो ऐसा संदेह है, दुख मिलने में संदेह नहीं है। सुख की इच्छा है तो फिर दुख की जागृत हो रही है। इस वास्ते सुख की इच्छा छोड़ दो, सुख सहज ही आवश्यक ना, सुख काजी पंडिता नाश को भूत भया, सुख सहजा ही आवश्यक, ये तृष्णा रोग गया, ये सारा सुख की नहीं हुई सहजा सुख हुआ। जिसके कुछ नहीं चाहिए सुख शहान शाह सुख बात है, दुख क्या है, अन्न नहीं मिले, जल नहीं मिले, कपड़ा नहीं मिले, तो नहीं मिले। इसमें तत्व है, आप परमात्मा के साक्षात अंश हैं, और ये सुख दुख है प्राकृतिक चीजों के संयोग वियोग का। तो आपने अपना मूल्य अपनी कीमत सांसारिक पदार्थों से कम कर दी, इस बात को भूलते हो। मैं परमात्मा का साक्षात अंश हूँ, संसार की चीज मिले न मिले मेरे क्या मतलब। आप पवित्र विचार करो, आदमी अपना मूल्य घटा लेता है, साक्षात परमात्मा का अंश होता हुआ भी धन से सुख होगा, मांग से सुख होगा, रोटी से सुख होगा, कपड़े से सुख होगा, आदर से सुख होगा, प्रसार से सुख होगा। कितने बड़े आदमी हो, किस घराने के आदमी हो, क्या कर रहे हो, कैसे बुलंद बढ़ गए। अपना मूल्य अधिक से सबसे अधिक हमारा मूल्य हम है, आदमी जो होना पड़ा है, ब्रह्मा जी की ताकत नहीं कि आप होना पड़ो मिटा दे, कैसे मिटा देगा, हमारे होना पड़ो कैसे मिटा देगा, सही तो टिकेगा ही नहीं, मिट जाए तो क्या नया हुआ। आपको अन्न नहीं मिले, भूखा मरते मर जाओगे तो अन्न खाते हुए नहीं मरोगे, बताओ। अन्न जल के बिना आपको हम मर जाएंगे तो अन्न जल खाते हुए नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे, तो नया नुकसान क्या हुआ। अंजल नहीं मिला तो नया नुकसान क्या हुआ, अन खतरे तो मर जाए न खतरे से मर जाएंगे। हम अपना मूल्य घटाएंगे नहीं, अपनी फजीती नहीं करेंगे, हम सांसारिक उत्पन्न नष्ट होने वाले चीज के गुलाम नहीं बनेंगे। हम परमात्मा के साक्षात है, ईश्वर है सजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये अविनाशी है, इसका विनाश भी कर सकते हैं। विनाशम अभ्य न कष्ट कर्तव्य रहती, अविनाशी का विनाश कोई कर नहीं सकता। तो अपना मूल्य सबसे अधिक है, चीजें मिले दूसरे मिले दूसरे मिले दूसरे, उनके दास हम गुलाम क्यों बने, हम हरदम रहने वाले मिले दूसरे से क्या करूंगा। आत्मा पाई जो अनित्य आने जाने वाले है उनसे हम फजीती क्यों बने, हम तो रहने वाले हरदम। अपना मूल्य अधिक बना लो, दखल नहीं होगी बिल्कुल, ये तो आने जाने वाले आगे वहां पर आने वाले क्या मात्रा स्पर्शास्त्र को अंतरेय शीतोष्ण सुख दुख खुदा आगे वहां पर आने अनित्य स्थान स्थिति से सुरुष है। दिन आता है रात आती है, ऐसे सुख आता है दुख आता है, अनुकूलता आती है प्रतिकूलता आती है, आदर आता है व्यादर होता है, प्रशंसा होती है निंदा होती है, बीमारी होती है स्वस्थता होती है। गुलाम हम क्यों बने, आने जाने वाले से हरदम रहने वाला क्यों घबरावे, कैसी बढ़िया बात है। आने जाने वाले से रहने वाला क्यों घबरावे, घर में कुत्ता आ गया तो निकाल दो, घबराते क्यों, घर का कुत्ता कोई मालिक है क्या, आप मालिक हो, कुत्ता आ गया नहीं हो तो दुखा दे, कुत्ता है आ गया निकाल दो, निकल जाएगा आप ही चला जाएगा, आप ही चल जाएगा, आया वो नष्ट हो जाएगा। उत्पन्न होने के बाद नष्ट होना ही खास काम है, इस वास्ते जब दुख पैदा हुआ तो ये दुख नष्ट होगा,
सुख हुआ संसार से तो ये दुख होगा, आने जाने वाला आने वाला वो जाने वाला है, तो आवे तभी जाना मान ले पहले से ही, ये तो जाएगा है तो क्या दुख हो जाएगा, क्या दुख हो जाएगा। आत्मा पाए तो अनित्य आस्थान से आने जाने वाले है, रहने वाले क्यों घबरा, कोई भी आत्मा बचाओ कि सुख दुख आने जाने वाला है कि नित्य रहने वाला है, क्या सुख नित्य रहेगा संसार का, क्या दुख नित्य रहता है संसार का। अल्लाह क्यों भी घबरावे, क्यों राजी हो न प्रेषित प्रेम प्राप्य न प्रेषित प्राप्त विचार करिए, हर दुम रहने वाले आने जाने उसको सुख दे, प्रत्येक संतो है गिरी। इतने भाई बहनों में कोई समझता हूँ कि इस अनुभव से रहित नहीं है कि सुख दुख आने वाले हैं, जाने वाले हैं, ये रहने वाले है ही नहीं, ना दुख रहने वाला है ना सुख रहने वाला, संसार के रहने वाले नहीं है, क्योंकि ये दुख सुख आपका नहीं है पर आया है, अगर आपका सुख आ जाएगा जिस दिन निजानंद में मस्त हो जाओ, निजानंद में अपने आनंद में मस्त रहोगे, चेतन अमल और सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, ये आपका स्वरूप और परमात्मा प्रेम आनंद को भी और विलक्षण है, निज सुख बिना भगवान का सुख विलक्षण है, पर जाने दो आपका निज का सुख ऐसा जो प्रकट होगा, कंचन खोल खुले घट माई रामदास के तो नाई, कंचन खान खुली घट माई गीत में सी भीत में उठे दास ने भीतरों का उठे तो सी जो रो उठा उठे भीतर से ऐसे भीतर से आनंद फूटे हम लोग दुख कैसे आएगा, शायद सुख राशि में दुख आएगा, जीव विनाशी चेतन अमल मन रहित सहज सुख राशि तो दुख कैसे आवेगा, दुखदायी परिस्थिति आवेगी, परिस्थिति तो गर्मी आती है कभी सर्दी आती है कभी वायु होती है कभी हवा चलती है कभी आंधी आती है कभी ओला पड़ता है कभी कुछ होता है, ये तो होता रहेगी, क्या नहीं बात क्या ये हो गया तो क्या ये हो गया क्या, ये तो होता ही रहता है संसार का स्वरूप है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, आप जहाँ सुख आ जाए दुख आ जाए अनुकूलता आ जाए प्रतिकूलता आ जाए, सज्जनों सत्संग के द्वारा यही आनंद मिलता है, ये पूंजी मिलती है, ये सुख मिलता है, ये लाभ मिलता है, जिसको कोई भी मिटा नहीं सकता, अब दुख तो मिलता है बिना कौड़ी पैसे मिलता कितने जी से बात है, आपका खुद का सुख हो जाएगा फिर जाएगा नहीं, निजानंद हो तो सुख है दुख कैसे होगा, आपकी तबियत बताओ निजानंद है खुद का ही तो दुख कैसे होगा, और परमात्मा का आनंद मिल जाए जिसको फिर दुख कहां मिल जाए, दुख आपको नहीं, आप ऐसे भक्त बन जाओगे आपके दर्शन से आपके सर्व से आपके चिंतन करने से सुख हो जाएगा, संत महात्मा पहले हुए हैं उनके याद करने से दुख मिलेगा, इतने आप बनते सब जितनी भाई बहन बैठे ये सब के सब ऐसे पढ़ सकते हैं याद करने से दुख मिल जाए ऐसे कर सकते हैं, ये अधिकार सबको है। अभी थोड़ी देर मेरे मन में आया कि आकाश में धूप भी बढ़ती है, धूप होती वो बढ़ती है, अन्न के पौधे भी बढ़ते है, वृक्ष भी बढ़ते है, नीम पीपल ये भी बढ़ते है, ताड़ भी बढ़ते हैं, खजूर भी बढ़ता है, ये सब बढ़ते हैं, अगर न बढ़े तो आकाश मना करता है, किसी को आकाश मना करते हैं मत बढ़ो आकाश कहते हैं, अब बढ़ने वाले नहीं बढ़े तो आकाश क्या करे, आकाश तो खुल रहा है, बढ़ते ही जाओ बढ़ते ही विंध गिरी बढ़ गया सूझ गया आदमी आदि सूझ गया विंध्याचल की बात आती है ना, तो बढ़ने में आकाश खुला है, ऐसे आप अपनी उन्नति में सदा खुले हो, बड़ी भारी उन्नति आपकी हो जाएगी,
दर्शन स्पर्श भाषण और चिंतन से दूसरों को आनंद हो जाएगा, ऐसा आप बन सकते हो। मनुष्य बात किसी वर्ण का किसी आश्रम का कोई क्या नहीं, मनुष्य मात्र को इतना भगवान अधिकार दिया है, भगवान से बढ़कर बन जाए भगवान के। मैं तो हूँ संतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान का मुकुटमणि बन सही दूंगा, इतना आपको अधिकार मिला है। अरे सर ज्ञान सुख सुख के लिए कुत्ता चौकड़े ही नहीं कर रहे हैं, एक साथ मेरे से वृंदावन में मेरे तरीका हो जाए, मेरे तरीका कुत्ते की से ऊन बिगाड़ता बात दर्शन कर रहे मैं सुन तरीका हो जाए। तो बोलो लड़के में क्या होगा, एक मेला बूथ पर डे मशीन क्या होगा, क्या एक छोरा हो गया तो मन बूथ बनाने की एक मशीन ने आवार हो गया, अब कहीं शुभ नहीं जाता ऐसे तो सोच ऐसा हो गया ऐसा हो गया। लेकिन पूछ दे मेरा शांति नहीं मिलती, ऐसा होना चाहिए ऐसा न होने, दो बात हृदय से निकालो तो अशांति आएगी नहीं आपको, भगवान करे सो होना चाहिए। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्य था सुने राम जी कर दिए गई, शेर जी श्री जय दयाल जी ने सत्संग बात कही कि हमारा तो मन जानिया ही होता है। मैंने बोला आप एक ही इतने लोग बैठे थे तो हमारा मन जानिया होता ही नहीं। एक बूढ़ी माई मिली थी ब्राह्मण की, वह बोली से पेड़ की बात है कि महाराज कौन बाग भैया है जो जानिया जान तो वही कौन समझे कई बार बड़े है कई बात हुई है तो जानिए जान तो वही कोई हमारा वह चाहना तो बात वही कोई चाहने वो होता नहीं और होता वो रहता नहीं क्या फायदा जानिए जान तो होता नहीं, मन चाहे जो होता नहीं और होता है रहता नहीं, फिर उसकी बुलंद क्यों करे। शेर जी ने कहा हमारा मन चाहे होता है, मैंने पूछा आपके दुनिया तो कहती है हमारा मन चाहे होता ही नहीं, आपका तो मन चाहे होता है, आपके भी क्या बात है कि हम पहले चाहना करते ही नहीं, भगवान चाहे होता है, भगवान की चाहना में हमने साह मिला दी कि राम जी करेंगे वो ऐसा जो भगवान करेंगे वो साह, जब राम की चाहे सो जो ये करे अन्यथा सही कोई तो भगवान की मर्जी आओगे ठीक है महाराज पूरे हो गई मरे हो हर हाल में खुश है जो आज सुख में सुख में दुख में हर समय मस्त रहते हैं, वाह प्रभु वाह क्या कृपा करी आपने, आनंद हो गया दुख में भी आनंद हुआ सुख में भी आनंद हुआ, ना सुख ना दुख ऊपरी हाल में सुख दुख जोड़ेगा आनंद जोड़ेगा नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेश आता नहीं मोहन दिशा लवलेशा, हमारे रात और दिन दो होते हैं, क्या सूर्य में दो होते हैं, रात होती सूर्य भी वो आनंद आप सबको मिल सकता है, कोई ऐसा नहीं कि जिसको वो सुख न मिले, सुख सहज है आपसे सहज सुख हो सहज स्वाभाविक, अब दूसरी चीज को ले करके और गुलामी कर दुख पा रहे हो, मेहनत करके दुख पा रहे हो, महाराज सुख तो है सहजा दुख मिलता है मेहनत से, बिना उद्योग के दुख नहीं मिलता, इसे परिश्रम करना पड़ता है। 25 वर्ष का बेटा मर गया तो 25 वर्ष तक पारा तब मिलता दुखा यहाँ दुख कैसे मिल जाए, सिर्फ बेटा हुए ही नहीं हो दुख दे दुख देगा दुख के लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी तब दुख आएगा, सुख के लिए कोई तैयारी नहीं है। साहित्य में यथा प्रकृति जल से शीतलता जल की प्रकृति है स्वभाव है, ऐसे सुख आपका स्वभाव है चेतन अमल पर सहज सुख राशि। अब आपको विश्वास हो जो पता नहीं है मैं आपको बात बताऊं, एक बात ध्यान देकर सुनना, विश्वास बात बताता हूँ,
आप बड़े दुखी है ये समझ लो, सुखी है समझ लो, धनी है तेरे धन है कैसे रोग ये नहीं हो गए, परंतु आप लोग गाढ़ गहरी नींद आ जाए वहां को सुख रहता दुख रहता है क्या? गाढ़ नींद में दुख रहता है क्या? तो दुख का आपका संबंध नहीं है बाबा, दुख तो आपका किया हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते, दुख हो ही नहीं सकता। स्वप्न में जागृत में आप करते हैं तो दुखी होते हैं, गाढ़ नींद में आप कुछ करते ही नहीं तो दुख होता ही नहीं। बताओ किसी को दुख होगा? गाढ़ गहरी नींद में कोई दुख होता है? तो सुख सहज है, स्वाभाविक है, केवल सुख की गुलामी ही दुख देने वाली है, ये खास जड़ है। सुख की इच्छा छोड़ दो दुख नहीं आएगा, नजीब नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सुख की इच्छा ही है तभी दुख होता है, सुख में कहीं दुख हो जाता है, हम सुख की इच्छा ही नहीं करते। आप विचार कर देखो, फिर शंका कर लेना। सुख की इच्छा बिना दुख नहीं होता, जो शुद्ध भोजन करते हैं उसके मन में भी दुख होता है कि मछली तो मिली ही नहीं, मांस मिली ही नहीं, अंडा मिली ही नहीं, दुख होता है, दूसरा दुख रहता है। मैं कलकत्ते में एक दिखाल थी, मैंने देखा है वंशीधर जी के लिया थे, रात्रि में पड़े रहते सी में, उनको बोरा देकर उठा देते, गरीबों की सेवा करते, और कोई बीमार होता तो एम्बुलेंस आ जाती, राम राम बाबू ना ले जाते, एक रुपया देते एम्बुलेंस आ जाती वो ले जाते, नाम क्या कौन किया, राम राम बाबू, अच्छा राम राम बाबू, अच्छा देती एम्बुलेंस। मेरे सामने बात एक दिखाने थी, दिखाने भूख यहाँ तो था, उसे साग रोटी दिया, चिड़ गई, मस्त है ही नहीं, चिड़ी एकदम तेज हो गई, ये मस्त है ही नहीं, क्या क्या कहो? अब बोला ये मांस नहीं खाने से दुख होता है? आपको किसी को होगा मांस नहीं लेगा तो? चिड़ गई मैंने मेरे सामने एक बात एकदम की मस्त है, इधर बैठा है जिसमें कोई थोड़ा मुझे पता नहीं है, पर तो मांस न मिलने का दुख होता है क्या? मछली नहीं मिली, अंडा नहीं मिला, शराब नहीं मिला, दुख होता है। अगर आपके समाज में तो मांस की दुकान सब बंद हो जाए, ये पैसा दे देते मुर्दा, जीव का जोर करे, जीव मार जोर करे, खाता करे बखान, पीटा पर ये थाली मार मशान, थाली में मशान मुर्गा, और छुए तो स्नान करे कपड़ों से लोग खा गए। पिता शांत हो जाए उसको जरा जन जाए तो कपड़ों से स्नान करे, मुर्दा खा बैठे, अब वो दुख होता है, ये बिगड़ क्या हुआ, वो बिगड़ गई ना, रोटी साग दिया उसको बिगड़ गई। मैंने देखा कलकत्ते की बात, तो मन में चाहना रखने से दुख होता है, चाहना नहीं रह गया, रोटी न मिले तो क्या दुख, क्या दुख किस बात का? व्रत करते हैं, व्रत हम जान कर करते हैं, और नहीं मेरा भगवान ने व्रत करा दिया, मौज की बात है, भगवान को करा हुआ व्रत बहुत तेज है। तो शेर जी ने कहा हम सबकी चाहना करते ही नहीं, भगवान की चाहना में चाहना मिला दी, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्य त्रास नहीं कोई, तो राम जी करते वो हम आनंद की बात है, बस वो चाहना ही नहीं, दुख कैसे हो जाएगा, किसी ताकत में दुख दे दे, राम जी की मर्जी से होता है, बोल देते हैं। तो ये सुख की चाहना ही दुखों का कारण है, कारण गुणसंगो से सदस्य गुणों के साथ संग करते हैं, इच्छा रखते हैं, इसमें सदस्य होती है, तब सुख की इच्छा जान रहे अब दुख नहीं हो सकते,
एक मतलब एक जड़ है, अपन विकल कहते उफरारी उफरारी उपराड़ी होती है, उपराड़ी हिसाब जो पटे कैसे संसार में दुख की उपराड़ी या सुख की इच्छा, तुम बेटा कैसे सुख की इच्छा सुनो उपराड़ी है पट जा समाज में किसी बात चाह गई चिंता मिटीर मनवा बेपरवा जिसके कसम चाहिए सुशासन प्रतिष्ठा। वो कश्मीर के राजा ने बात कही है मेरी बड़ी, कश्मीर राजा गए थे बाबा जी बैठे थे तो कश्मीर राजा ने पूछा आप कौन हो, तो पूछा आप कौन हो, मैं यहाँ का राजा हूँ, हम महाराजा है कि आप राजा कैसे हैं, आप महाराजा कैसे हैं, कि आप राजा कैसे हैं, कि राजा इस वास्ते मैं देश में सारे सुख निकाल दू सारे सुख दे दू। अच्छा ऐसे आप सुनो दो तो मैं राज्य में से मच्छरों को निकाल दीजिए, क्या उत्पन्न होती है इसमें राज्य में क्या हाय होती है मच्छरों की निकाल दीजिए। ऐसे बोलो निकाल तो नहीं सकते मच्छर को ही जायज में निकाल दू और मेरे को लाख रुपए दे दीजिए दोनों फैल हो गए। आप महाराज कैसे हमारा चाहना ही नहीं है कैसे दुख होगा तो हमारा चाहने जीने की चाहना नहीं मरने की भी चाहना नहीं कैसे दुख है, तो तुम तो सब दुख तो सब चाहना में भरा हुआ है और चाहना मेरी चाह गई संसार में मन हुआ बेकर हुआ चाहना आप मिटाओ तो मिट जाएगी, नहीं मिटाओ नहीं मिटेगी, अरे हमारी मिटानी है मिट जाएगी, नहीं मिटे तो आप व्याकुल हो जाओगे, हे नाथ मेरे से चाहना मिट गई, मेरी कामना मिटती नहीं है, प्रभु मिटते नहीं, बाप मिट जाएगी भगवान मिटा देंगे, पर मिटाने की इच्छा पूरी होनी चाहिए मामूली भी नहीं। ऐसी शुभ बात नारायण 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 नारायण।